हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल टूर कराएंगे मनाली के क्लब महिंद्रा रिजोर्ट व्हाइट मेडूज का, और साथ ही आपको दिखाएंगे यहाँ के स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ये रिजोर्ट माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से रिजोर्ट का। ये है ये रिसोर्ट का एंट्रेंस, और ये आप इधर देख रहे हैं, ये है पार्किंग एरिया। ये सारा पार्किंग एरिया स्मॉल पार्किंग एरिया है, और आप यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, ये यहाँ का रिसेप्शन के लिए एरिया है। और ये सामने एंट्रेंस, ये है यहाँ का रिसेप्शन का वेटिंग लॉन्च। और ये स्टेज देख रहे हैं आप ऊपर जाने के लिए है, यहाँ 2 BRs है, डबल BR जो BR है 2 है वो ऊपर जा करके यहाँ स्टेज से। और ये स्टेज लेफ्ट साइड पे जा रही है नीचे की साइड। और ये देखिए, ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट काफ़ी छोटा है, लिमिटेड स्पेस है हमारे सीटिंग के लिए। और नीचे स्टेयर्स जा रही है यहाँ से नीचे जाने के लिए। 101 से लेकर स्टार्ट है, स्टूडियो रूम्स, एचयू रूम्स, ये सारे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा आपको। ये लोग एक और रेस्टोरेंट थे जो कि अब फिलहाल इन्होंने बंद कर रखा है, अभी ये ऑपरेशन में नहीं है। और यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा आपको रूम्स के लिए। तो कल से ही बारिश हो रही है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इस समय भी बारिश आ रही है। ये डाउन्स में आकर के 2 लेवल नीचे आकर के देखिए सारा ये सामने जो आपको नजर आ रहे हैं, ये रूम्स है, स्टूडियो रूम्स। एक लेवल नीचे है जिसमें 101 से 112 तक है, और एक लेवल ये ऊपर नजर आ रहा है आपको 201 से 212 तक के स्टूडियो रूम्स है। और ये कॉरिडोर जो नज़र आ रहा है आपको सामने, ये नीचे एचयू रूम के लिए जाता है। अभी आपको दिखाएंगे एचयू रूम्स की। दोस्तों, इस रिजोर्ट में लिफ्ट की सुविधा नहीं है, पहाड़ी पर बने होने के कारण आपको सीढ़ियों से ही ऊपर जाना होता है, व नीचे अपने अपार्टमेंट्स तक सीढ़ियों से ही आना होता है। यह है गार्डन नीचे रूम्स के आगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स है नीचे जो है 101 से 112 तक के, उसके आगे एक गार्डन है। आगे बता रहे हैं कि बारिश के साथ कलोंग वगैरह साइड में बर्फ भी गिर रही है आगे, और आपको दिखाते हैं नीचे भी। ये देखिए जी, ये है सारे एचयू अपार्टमेंट्स,
होटल यूनिट्स है सारी है। इसके आगे लॉन है, ये पार्क सामने। इस समय कई अपार्टमेंट्स जो है एच यू के यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम भी चल रहा है। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ गेटिंग डाउन। ये अपार्टमेंट्स में जाने के लिए दूसरा रास्ता है, एंट्रेंस करने के लेफ्ट हैंड साइड पे। एक रास्ता राइट हैंड साइड से, एक लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पर आपको मिलेंगे स्पा एंड फिटनेस सेंटर और सुवेनियर शॉप मिलेंगे इस रास्ते से आपको। ये रास्ता जा रहा है फिटनेस सेंटर, स्पा के लिए और सुवेनियर शॉप। यहाँ ये सुवेनियर शॉप है, यहाँ से आप हिमाचली कपड़े खरीद सकते हैं। ये देखिए और ये है यहाँ का स्वास्था स्पा सेंटर। इसी में आपको जिम भी है, अंदर आपको जिम दिखाते हैं यहाँ का। मसाज रूम है राइट साइड पे, जिम है। ये है जी यहाँ का जिम। दोस्तों, स्पा के सामने से ही एक रास्ता नीचे की ओर जाता है जहां है फन जोन। क्लब महिंद्रा वाइट मेडूज मनाली में भी अपना एक फन जोन है, जिसमें बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अलग अलग खेल और मनोरंजक एक्टिविटीज़ हैं। रिजोर्ट के अंदर बहुत सारी मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ शाम को आप मस्ती कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ कोविड-19 के कारण अभी बंद हैं। और ये है जी स्टूडियो अपार्टमेंट, और ये है यहाँ का वॉशरूम। ये देखिए इसमें आपको एक बाथ टब मिलेगा। ये है आपका बाथ टब नहाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस रिजोर्ट में आपको गर्म पानी पूरे दिन अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 11 बजे तक ही मिल पाएगा। लेकिन उसके बीच में अगर गर्म पानी आपको चाहिए तो आप हाउसकीपिंग पर फोन करके मंगा सकते हैं।
और ये है जी स्टूडियो अपार्टमेंट का बेडरूम। दोस्तों इस अपार्टमेंट में कोई किचनेट की भी सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का सामान जैसे बर्तन या प्लेट्स वगैरह मंगानी हो तो आप उसके लिए हाउसकीपिंग पर फोन करके भी मंगा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल कराते हैं। और ये सामने इसमें बालकनी है, ये आपको दिखाते हैं आपको बालकनी। ये सिटिंग एरिया बालकनी में, और यहाँ से देखिए ब्यूटीफुल व्यू नज़र आता है आपको। अगर बैठ करके आप रेस्ट कर सकते हैं बालकनी में, और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा ले सकते हैं, देखिए प्रकृति का नज़ारा। इसमें बारिश हो रही है, काफ़ी रेनिंग हो रही है आज सवेरे से ही, देखिए। रिजोर्ट के कमरे की बालकनी से बाहर का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ों के दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं नीचे की साइड में, ये एचयू रूम्स है, ये ऊपर जो है सारे ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, ये सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, ये दो लेवल पे बने हुए हैं, सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, वो सारे नीचे एचयू अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ सिर्फ टू बीआर के रूम से सिर्फ दो है, और वो सबसे ऊपर है टॉप पे। अब हम आपको इसको दिखाते हैं, इसका जो डुप्लेक्स है ऊपर, इस स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे, और ये देखिए वाह, ये है आपका सोफ़ा कम बेड। एक्चुअली यहाँ सोफ़ा कम बेड नहीं बल्कि प्रॉपर एक डबल बेडरूम है आपका। ये देखिए आप, ब्यूटीफुल पूरा बेड है आपका, डबल बेड ये प्रॉपर आपको। ये देखिए लैंप, देखिए ओके, देखिए ऊपर की साइड में कैसे अच्छा ब्यूटीफुल। और ये है आपके बैठने के लिए चेयर्स, ये आपका यहाँ पर एक एसी रखा हुआ है, ये एसी लगा हुआ है, ये देखिए। ऊपर आपका बेड बहुत अच्छा है, यहाँ से ये देखिए ये डुप्लेक्स है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट जो है, यहाँ आपको किचनेट नहीं मिलेगा इसमें। ये देखिए ये आपको ऊपर से आने के लिए स्टेयर से, यहाँ से ये ठीक है, ये आपका नीचे का जो मेन बेडरूम है, ये आपको देखो डिफ्लेक्स।